नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं मिनी कंबाइन बैक टोकरी की सेटिंग बताने वाला हूँ। और ये पीछे के रूटर की सेटिंग, किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं कि ये पीछे के रूटर में जब हम माल गिराते हैं ये रुक जाता है, और ये रुकने का कारण ये बड़े वाला प्लीन दिखता सामने में, इसमें दो बेल्ट लगते हैं पीछे, ये देखो ये दो बेल्ट, तो ये इसका लीवर होता है, इसको हम ऊपर करते हैं तो ये रूटर बंद हो जाता है, और नीचे करते हैं ऐसे तो ये चलने लग जाता है। तो ये नीचे करने से ये चलता नहीं है, तो फिर इसका क्या करो, ये नट दिया, ये पीछे वाला नट है, इसको ढीला करो और इसको टाइट कर दो, फिर ये रूटर चलने लग जाएगा, और ये चैन चलेगी दोनों साइड की, इधर की और इधर की, जो दोनों चैन चलती है और रूटर फिर चलता नहीं है, फिर भी नहीं चलता वो टाइट करने से, तो फिर आप क्या करो, इधर से ये पीछे साइड में दो बेल्ट दिए हुए ये कवर के नीचे में, इसके नीचे में ये दो बेल्ट, ये ढीले होते हैं तो इसलिए भी नहीं चलता रूटर। फिर इसको टाइट करने के लिए ये आइडल दिया हुआ है, इसका ये यहाँ से ढीला करो और इसको टाइट कर दो, ये बेल्ट पूरे टाइट हो जाएंगे तो रूटर चलने लग जाएगा, इसका रूटर चलने लग जाएगा। तो रूटर की हाई लो मीडियम की स्पीड भी आपको मैं बताता हूँ कहाँ से होती है, इसको कम ज़्यादा कहाँ से करना है स्पीड। और ये सिंगल बेल्ट लगा हुआ है, ये नीचे बड़ी पुली है, इस पर जब गिल्ला माल होता है, गिल्ले माल पे चलाना है इसको, यहाँ पर लो चलता है, ऊपर में छोटे पे और नीचे बड़े पे चलाना है, यहाँ गिल्ले माल पे। और जब माल सूख जाता है तो इस पे चलाओ मीडियम में, यहाँ पे एवरेज अच्छी देता है सूखे माल में, और इसको यहाँ पे चलाओ। तो इसकी कोई भी सेटिंग करवाने के लिए किसी भी मशीन की, जैसे ये बैक साइड टोकरी हुआ, साइड टोकरी हुआ, पीछे पटा हुआ, इन सभी की सेटिंग हम बताते हैं। ये नंबरों पे संपर्क करना, आपके कुछ समझ में नहीं आती तो हमारे को वीडियो कॉल करना, हम वीडियो कॉल पे आपको पूरी सेटिंग बता देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना कि सभी किसान भाइयों के पास जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास आती रहेगी।